तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों जाकर ये शब्द उत्तराखंड का है। कहानी सुनाने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं, क्योंकि ये कहानी इसी पर बेस्ड है। दोस्तों जाकर का मतलब होता है जागना। इसमें उत्तराखंड और नेपाल ऐसे कई क्षेत्रों में कुछ ग्राम देवताओं की पूजा की जाती है, जैसे गंगनाथ, गोलू, भनरी और कालसण। ये पूजा घर और मंदिर दोनों जगह की जा सकती है। सीधा सीधा आपको बताऊं कि इंसान और भगवान के बीच में जो रिश्ता होता है उसको मिलाने वाला एक डंगरी होता है, और जब वो डंगरी अपना पूरा ध्यान लगाता है तब जाकर कहीं उस पूजा में इंसान को अपने पूर्वजों से सामना होता है। पर खैर, इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए और मुझे कहानियाँ भेजने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। बाकी ज़्यादा देरी न करते हुए जल्दी से इस कहानी को सुनते हैं मेरे यानी महेश के साथ। मेरा नाम अमिताभ है। बात 2007 की है। उस वक्त मैं 16 साल का था। स्टडी की बात करूं तो मैं 12वीं कक्षा में था और हॉस्टल में रहता था। मेरा स्कूल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में था। वैसे तो मेरा गांव मेरठ में है, पर पिताजी के कहने पर मैंने इस स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट दिया। लकीली मैं पास हो गया। उसके बाद से तब से लेकर अब तक मैं इसी हॉस्टल में पढ़ाई करता आ रहा हूँ। इस हॉस्टल में मेरे दो खास दोस्त हैं, जिसमें एक का नाम दीपक है और एक का राजीव। दीपक उत्तराखंड का ही रहने वाला है, और तो और वो पढ़ाई करने में हम दोनों से काफ़ी आगे था। उसको नई नई किताबें पढ़ने का बेहद शौक था। हम दोनों के अलावा दीपक इतना किसी पर भरोसा नहीं करता था। ये मान लीजिए कि हम तीनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। खैर, राजीव हरियाणा से था और हमारी क्लास का सबसे बेस्ट एथलीट था। वह अक्सर टीचर्स को परेशान करता था। न जाने उसे इन चीज़ों में क्या मजा आता था। वो अपनी बहादुरी का परिचय स्कूल में देता ही रहता था। लेकिन दोस्तों, मैं अमिताभ बचपन से ही एक एवरेज लड़का रहा हूँ। मेरा पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता है, बस मैं ज़्यादातर खेल कूद में ही रहता हूँ। लेकिन जिसके पास ऐसे दोस्त हो तो न जाने क्यों पढ़ाई करने का मन भी करता है। खैर, जुलाई का महीना चल रहा था। हम तीनों हिस्ट्री की क्लास में थे। राजीव और मैं लास्ट बेंच पर बैठे थे और दीपक सबसे आगे बैठा था। उसको हमेशा से ही पहले बेंच में बैठना बहुत अच्छा लगता था। कहता था कि बाहर का नज़ारा देखने को मिलता है। हमें उस वक्त क्लास में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। मैं और राजीव चुपचाप लेक्चर के बीच में सो गए, और ठीक जब सर ने हमारी ओर देखा तो पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने हमारे ऊपर डस्टर फेंक कर मारा। हमने जैसा ही चेहरा ऊपर किया तो हाथ का इशारा बाहर की तरफ था। हम चुपचाप उठकर बाहर खड़े हो गए। कहीं ना कहीं दोस्तों, अजय सर मुझे हमेशा से एक अच्छा स्टूडेंट मानते थे। कहते थे कि अगर मैं पढ़ाई में ध्यान देने लग जाऊं तो जल्दी जल्दी अपनी लाइफ में सफल हो जाऊंगा। लेकिन मुझे पढ़ाई करने से ज़्यादा नई नई चीज़ें ट्राई करना बहुत अच्छा लगता था। पर खैर, जब मैं और राजीव क्लास के बाहर थे तो राजीव ने मुझसे कहा कि अमिताभ, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें अपने स्कूल के आखिरी साल में कुछ ऐसा नया ट्राई करना चाहिए जिससे हमारी सबसे अच्छी यादें बने। कल को तू, मैं और दीपक और बाकी के सभी दोस्त अलग अलग हो जाएंगे। क्या पता फिर दोबारा मिलने का मौका मिले या ना मिले। मैंने उसकी तरफ देखा और कहने लगा कि तेरे पास कोई आइडिया है तो बता। राजीव ने कहा, क्यों ना हम किसी रात को सबके सोने के बाद हॉस्टल से भाग जाते हैं। रात का समय और पूरा जंगल सुनसान, पहाड़ों में हवा खाने चलते हैं। दोस्तों, उसकी बात पर मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट तो हुई। मैंने उसे ऐसे ही कह दिया, चल ठीक है, पर ये करना कब है? राजीव ने कहा, बताता हूँ। इसके बाद क्लास खत्म हो गई। हमने इस बात को दीपक को बताया। दीपक ये बात सुनकर थोड़ा झिझक गया, पर थोड़ी देर मनाने के बाद वो हमारे साथ घूमने के लिए रेडी हो गया। राजीव ने बताया कि हॉस्टल की थोड़ी दूरी पर जो एक पटवारी की दुकान है, हम वहाँ से देसी दारू और सिगरेट लेकर पहाड़ों में जाएंगे। कसम से बहुत मज़ा आएगा। मैंने तुरंत ही अपने बैग में से पैसे निकाले, साथ ही राजीव ने भी। आपको बता दूं कि हम दोनों जब भी अपने घर जाते थे
तो वहां से पैसे चुरा कर लाते थे, ताकि जब भी हमें हॉस्टल का खाना खाने का मन ना हो तो पटवारी की दुकान पर जाके चाय और समोसे खा लिया करते थे। लेकिन दीपक ये नहीं कर पाता था। वो कहता था कि उसको उसके घर के अंदर पैसे दिखाई ही नहीं देते। हम तीनों एक दूसरे के गहरे दोस्त थे, और तो और हम एक दूसरे की हेल्प करते रहते थे। जैसे कि दीपक हमें चीटिंग करवा देता था, बाकी राजीव हमें स्पोर्ट्स रूम से क्रिकेट बैट और बैडमिंटन दिलवा देता था। पर खैर, बातें तो होती ही रहेंगी। अब चलते हैं उस रात की बात पर, जहां से ये कहानी शुरू होती है। उस रात हम तीनों बिना खाना खाए बेड पर लेट गए थे और सबके सोने का इंतजार कर रहे थे। फिर रात के शायद कुछ 10:30 बज रहे होंगे, हम तीनों अपने अपने बेड से उठे और चुपचाप मेन हॉल की तरफ चले गए। राजीव को बाहर जाने का रास्ता पता था, अक्सर हम तीनों उसी रास्ते से पटवारी की दुकान में जाया करते थे। बाहर निकलने के बाद राजीव ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया और मुझसे पैसे लेकर पटवारी की दुकान में गया। वहां पहुंचकर उसने एक शराब की बोतल ली और 3 सिगरेट के साथ हाथों में कुछ प्लास्टिक के गिलास लेता हुआ हमारी ओर आ गया। मैंने रूम से पानी की बोतल उठा ली थी। दीपक ने कहा कि हमें उस पहाड़ में जाना चाहिए, मैं अक्सर अपने रूम से उस पहाड़ को देखा करता हूँ, क्यों ना वहीं चला जाए। मैंने और राजीव ने सर हिलाया कि अच्छा आ चलते हैं। हम तीनों चुपचाप अपने फोन की टॉर्च चलाकर पहाड़ की तरफ निकल पड़े। दोस्तों, रात के समय में आपने कभी ऐसा किया है? नीचे कमेंट जरूर में बताइएगा। बड़ा ही अजीब लगता है, दूर दूर तक आपको कोई भी नहीं दिखाई देगा। खैर, वो पहाड़ हमारे हॉस्टल से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर था। चलते वक्त राजीव बीच बीच में गाना भी गा रहा था। माहौल एकदम मस्त बना हुआ था। हम ठीक उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां हमें एक सुंदर सा व्यू दिखा। जगह इतनी खाली थी कि मानो कोई वहां पर अपना घर भी बना सकता है। एक तरह का समतल मैदान था। हवा की आवाज कानों पर साफ साफ पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई तूफान आने वाला हो। साथ ही वो नजारा मुझे अभी तक याद है। हम तीनों जमीन पर बैठे और राजीव ने हम तीनों के लिए एक एक पैक बनाया। हमने चीयर्स करके पैक पिया और आपस में हंसी मजाक करने लगे। बातों ही बातों में राजीव ने यह भी बताया कि कैसे वो अपने पिताजी की बोतल में से चुपचाप दारू पी लिया करता था, और पिताजी से डांट ना खानी पड़े वो उसी बोतल में पानी भर कर रख देता था। दोस्तों, हम तीनों में से राजवीर उम्र में सबसे बड़ा था। पर क्या, ठीक एक पैक पीने के बाद राजीव एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठ गया। देखने में वो थोड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का भी था। उसके होते हुए हॉस्टल में हमें कभी किसी ने नहीं छेड़ा और ना ही कोई हमसे फालतू बोलता था। मैं और दीपक आपस में खुसफुस बातें कर ही रहे थे कि राजीव उस बड़े से पत्थर पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाकर बोलने लगा। कहने लगा कि भाई और बहन, मैं आज बेहद खुश हूँ, क्योंकि आज मैं अपने भाइयों के साथ यहाँ टॉप में बैठकर पार्टी कर रहा हूँ। ये शाम मेरे दोस्तों के नाम। दोस्तों, राजीव के इतना कहने के बाद अचानक से किसी और के चिल्लाने की आवाज आई। कौन है वहां? मैंने और दीपक ने राजीव को पकड़कर नीचे किया और हम जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुप गए। हमने देखा कि एक 40 से 50 साल का आदमी हमारी जगह के पास आ रहा था। उसके हाथ में एक मशाल भी थी, कंधे पर एक झोला भी था। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। दूर से देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो किसी फिल्म का हीरो हो। मैं ये सब देख ही रहा था कि अचानक से मेरा पैर स्लिप हो गया, पर मैंने तुरंत अपने आप को खड़ा किया। वो आदमी लालटेन लेकर सीधा मेरी ही तरफ आया। ऐसा लगा मानो कि जैसे उसने मेरे फिसलने की आवाज़ सुन ली हो। उसने मेरा कॉलर पकड़कर मुझे नीचे गिरा दिया। कहने लगा कि तुम तीनों इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी नजरें धीरे धीरे हमारे गिलास की तरफ गई। इसके बाद उसने मुझे एक जोर का थप्पड़ मारा। कहने लगा कि चल बता, तेरा बाप कौन है? कहाँ है तेरा घर? मैं अंकल से माफी मांगने लगा। कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा। उसी बीच मैं राजीव को देख रहा था। उसने अपने हाथों में एक पत्थर उठाया। राजीव के पैर भी थोड़ा लड़खड़ा रहे थे। ऐसा लगा मानो कि जैसे वो अपने होश में नहीं है। उसने ठीक उस पत्थर से उस आदमी के सर पर मार दिया। उस आदमी ने अचानक से पीछे घूमकर राजीव की तरफ देखा और नीचे गिरकर बेहोश हो गया। दीपक ने हमसे कहा
कि तुम दोनों ने मिलकर इसको मार डाला। राजीव कहने लगा कि ये मरा नहीं है, बस बेहोश हुआ है। दीपक तुरंत ही उस आदमी का झोला चेक करने लग गया। उसने देखा कि झोले में एक काली पन्नी है। उसने उस काली पन्नी को बाहर निकाला और फिर उसको खोलकर देखने लगा। वो अचानक से डर के मारे पीछे हो गया, कहने लगा, ये क्या है? दीपक ने दोबारा उस पन्नी के अंदर देखा और उस चीज को गौर से घूरने लगा। इसके बाद वो तुरंत ही घुटने पर बैठ गया। उसके दोनों हाथ उसके सर पर थे। मैंने ठीक उस पन्नी के अंदर झांक कर देखा। मैंने देखा कि उस पन्नी में किसी जानवर की टांग थी और कुछ डमरू टाइप का भी दिखाई दिया। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने दीपक से पूछा, दीपक क्या है ये सब? दीपक एकदम से रोने लगा, कहने लगा कि तुम लोगों की वजह से न जाने अब क्या होगा। तुम लोगों ने एक जगरी को मार डाला है। दोस्तों, जगरी सब सुनने के बाद मैंने कपकपाते हुए उससे कहा, न जाने मुझे भी क्या हो गया था। मैंने पूछा, कौन है ये जगरी? दीपक ने कहा कि उत्तराखंड में जब भी किसी के घर में संकट आता है तो वो अपने पितरों को बुलाते हैं, यानी अपने मरे हुए पूर्वजों की आत्मा, देवी देवता, इन सबको। लेकिन इन सबको बुलाने के बीच एक आदमी जो अपना काम करता है उसे तुमने मार दिया है। नहीं मालूम अब आगे क्या होगा। उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि पूजा वगैरह खत्म होने के बाद जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। बलि में सबसे पहला नंबर बकरी का होता है, और तो और उस बकरी को खाने के लिए बांटा भी जाता है। मैंने इसके बैग में वो बकरी की टांग देखी थी, शायद ये कहीं से जागर करके आ रहा है, पर तुमने इसको मार दिया। तुरंत ही राजीव पीछे से बोल पड़ा, मैं ये सब नहीं मानता, मेरे लिए ये सब एक भ्रम है। दीपक ने तभी कहा, लेकिन मैं तो मानता हूं, उसका क्या? जवाब में राजीव ने कहा, अब ये बकवास बंद करो, जल्दी से अपना सामान लेकर यहां से हॉस्टल की तरफ निकलो। दोस्तों, एक तो राजीव वैसे ही हमसे बड़ा था, तो ठीक हमने अपना सारा सामान लिया और चुपचाप नीचे की ओर चले गए। हम रूम पर जाकर चुपचाप सो गए। हम तीनों में इसके बाद कोई भी बातचीत नहीं हुई। अगले दिन उठकर हम तीनों क्लास अटेंड करने गए। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है, न जाने क्या होगा हमारे साथ, कहीं वो आदमी हमें दिखाई तो नहीं देगा। मैं ये सब सोच ही रहा था कि राजीव ने मुझसे कहा, इतनी चिंता क्यों करता है अमिताभ, चिल कर, वो आदमी उठकर अपने घर चला गया होगा। मैंने इतनी जोर से भी नहीं मारा था, तू इतना मत सोच। दोस्तों, मैंने राजीव की बात मान ली थी, पर जब मैंने दीपक की तरफ देखा तो वो अपना सर बेंच पर हेड डाउन करके बैठा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसका अपना मर गया हो। लेकिन मैं दीपक की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा डर गया था। कुछ ही घंटे बाद लंच ब्रेक हो गया। हम तीनों ने एक बेंच पर बैठकर खाना खाया। उस वक्त हम उसी के बारे में बातें कर रहे थे। फिर मैंने भी हिम्मत करके कहा कि ठीक है, जो होना था वो तो हो गया, अब दीपक हमें ये सब भूल जाना चाहिए। दीपक ने कहा, कैसे भूल जाए, तुम्हें कैसे पता कि वो आदमी जिंदा है? न जाने पूरी रात उसके साथ क्या हुआ होगा, जिंदा है कि मर गया वो भी नहीं पता। राजीव ने कहा, भूल जा यार, तुम बस अपना अपना खाना खाओ, ये सब बातें मेरी समझ में नहीं आती, अगर तू कहे तो मैं जाकर देख कर आऊं। दीपक ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगा कि नहीं। राजीव ने कहा, तो ठीक है, अब मेरा दिमाग मत खराब कर। दोस्तों, हम तीनों ने अपना लंच किया, और जब हम हाथ धोने जा ही रहे थे तो मैंने देखा कि प्रिंसिपल ऑफिस में से एक पुलिस ऑफिसर निकलता हुआ दिखाई दिया। एक बार को हम तीनों ये देखकर सन्न हो गए। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आया। मन में यही था कि आखिर यही क्यों आया होगा। मुझे बहुत डर लग रहा था। उसी वक्त मैंने ये भी देखा कि रूम से अजय सर निकल रहे थे। मैं बिना कुछ सोचे समझे उनके पास चला गया। कहने लगा कि क्या हुआ सर, कोई दिक्कत है क्या? सर ने मुझसे कहा, नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने कहा, तो सर ये पुलिस क्यों आई है, क्या कुछ कांड हुआ है? सर ने मुझसे कहा, तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? मैंने सर से धीरे से कहा, सर ऐसा नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सर ने मेरी तरफ हंसते हुए कहा, अरे कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो। इतना कहकर सर चुपचाप साइड से निकल गए। अचानक मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे हम तीनों वांटेड लिस्ट में आ चुके हैं। मैं तुरंत भागकर दीपक और राजीव के पास गया। राजीव ने मुझसे कहा, अमिताभ तू पागल है, तू अचानक से सर के पास क्यों गया?
सर को हम पर शक हो सकता है। मैंने कहा, यार ऐसा कुछ नहीं होगा, अब बस हमें ये बात अपने तक ही सीमित रखनी है। और हाँ, एक बात और, इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी। दोस्तों, कुछ दिनों तक हम तीनों गुमसुम रहने लगे, ना ही हम इस बारे में बातचीत कर रहे थे और ना ही हम ठीक से आपस में बात भी कर पा रहे थे, क्योंकि ये बात मैं तीनों को तो नहीं कह सकता, पर मेरे मन में लगातार चल रही थी। राजीव को देखकर लगता था कि जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पर खैर, एक रात की बात है, जब मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था, न जाने अचानक क्यों मैं उसी चीज के बारे में सोच रहा था। पूरे कमरे में अंधेरा था, बगल वाले बेड पर राजीव और दीपक लेटे हुए थे। मैं सोचते सोचते चुपचाप सो गया, लेकिन रात के तकरीबन 3:45 पर मेरी अचानक आंखें खुली। मुझे याद आया कि मैं अपने रूम की बोतल वहां से वापस नहीं लाया था। मैंने तुरंत ही लाइट ऑन करी, पर लाइट ऑन नहीं हुई। मैंने राजीव को हिलाया, लेकिन राजीव फुसफुसाते हुए उधर की ओर सो गया। मैंने आवाज भी दी, पर वो नहीं उठ रहा था। सेम यही चीज मैंने दीपक के साथ भी करी, मगर वो भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसी वक्त अचानक से हमारे रूम का दरवाजा खुल गया और वॉल से पटक गया। वो दरवाजा इतनी जोर से खुला था कि मेरी रूह अभी तक कांपती है। मैं इतना डर गया कि चुपचाप अपने बेड पर आकर बेडशीट ओढ़कर सो गया। मेरी दिल की धड़कन उस वक्त बहुत तेज हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। उस वक्त मैंने किसी के चलने की आवाज सुनी। आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे कोई चप्पल पहनकर चल रहा हो। फिर अचानक से धीरे धीरे दरवाजा बंद हो गया, सब कुछ एकदम शांत हो गया। डर के मारे मेरी आंखें बंद ही थी, सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। तकरीबन 10 या 15 मिनट बाद मैंने चादर हटाकर देखा तो ऐसा लगा मानो सब कुछ पहले की तरह ही था। पर उसी बीच मेरी नजरें राजीव और दीपक की तरफ गई। मैंने देखा कि वो दोनों गायब थे और उनका बेड एकदम खाली था। मैंने चुपचाप बेडशीट ली और अपना मुंह अंदर डाल दिया। दोस्तों, बेडशीट के अंदर मेरे साथ राजीव और दीपक दोनों लेटे पड़े थे। वो दोनों एकदम से चिल्लाने लगे और मैं भी चिल्लाने लगा। उसी बीच रूम की लाइट ऑन हो गई। राजीव ने एकदम से बेडशीट हटा दी। मैंने तुरंत उन दोनों से पूछा कि क्या हुआ। राजीव ने कहा कि तुझे क्या हुआ, तू क्या अपने आप को देखकर चिल्ला रहा था। मैं चुपचाप बेड पर बैठ गया और उन दोनों को बताने लगा कि मैंने ये सब देखा है। दीपक ने हल्की सी आवाज में कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मर गया है, शायद उसकी आत्मा हमसे बदला लेने आ गई है। दीपक की यह बात सुनने के बाद राजीव ने उसे एक जोर का थप्पड़ मारा, कहने लगा कि अगर ऐसा है तो ये सब कुछ इसी को क्यों दिखाई दे रहा है, मैंने मारा है, मुझे दिखना चाहिए था। दीपक ने फिर कहा, यार तू कभी तो मेरी बात का भरोसा कर लिया कर, मत इग्नोर करो इन सब चीज़ों को। इसके बाद मैंने उन दोनों से कहा कि मेरी बात सुनो, मैंने अपनी बोतल वहीं पर छोड़ दी है। राजीव ने तुरंत कहा, क्या तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है। दीपक ने तुरंत ही कहा, अब हम तीनों गए, देख लेना, अगर पुलिस ने मुझसे कुछ भी पूछा तो मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। वो कोई मामूली बोतल नहीं है, उस बोतल पर हमारे हॉस्टल का नाम लिखा है। मैंने दीपक से कहा, तू पागलों वाली बात क्यों कर रहा है, अभी तक कुछ हुआ तो नहीं ना, बस हमें साथ मिलकर रहना है और ये बात कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। दीपक ने कहा, तुम दोनों की गलती की वजह से मैं जेल क्यों जाऊं। राजीव गुस्से से भड़क उठा, कहने लगा, मेरी गलती, लेकिन प्लान तो तेरा था, तूने उस पहाड़ की तरफ हमें दिखाया था। दीपक ने तुरंत कहा, तुम दोनों प्लान मेरे पास लेकर आए थे, तुमने ही कहा था कि घूमने जाएंगे, यादें बनाएंगे, अब तो बस जिंदा बच जाए यही बहुत बड़ी बात है। मैंने मामले को शांत करते हुए दोनों से कहा, अब जो हो गया सो हो गया, अब हम तीनों को साथ रहना होगा। दीपक चुपचाप बेडशीट ओढ़कर सो गया। कुछ ही देर बाद राजीव भी सो गया, बचा मैं। मैंने लाइट ऑन ही रखी और मैं बैठा रहा। अगले दिन जब हम क्लास अटेंड कर रहे थे तो मैंने देखा कि दीपक फिर से हेड डाउन करके बेंच पर बैठा हुआ है। उस वक्त मैंने उसको इग्नोर मारा और फिर लंच के समय जब मैं और राजीव दीपक को ढूंढ रहे थे तो हमने देखा कि दीपक अभी भी क्लास में ही है, बस वो खिड़की की तरफ खड़ा होकर उसी पहाड़ को घूर रहा था। मैं दीपक के पास गया, मैंने कहा, चल दीपक क्या कर रहा है इधर, आ खाना खाते हैं। दीपक ने कहा, खाना खाकर क्या ही हो जाएगा, कुछ ही दिनों में हम सब मारे जाएंगे,
राजीव ने तुरंत दीपक का कॉलर पकड़ा, कहने लगा कि मैं नहीं, तू मर जाएगा। मैंने तुरंत दोनों को अलग अलग किया। राजीव गुस्से में वहां से चला गया। मैंने दीपक से पूछा, तुझे ये सब क्यों लग रहा है कि हम सब मर जाएंगे? दीपक ने कहा कि आज नहीं तो कल मरना ही है, तो इसमें डरना कैसा? तू नहीं जानता मुझे कैसे कैसे सपने आ रहे हैं। दोस्तों, उसकी ये बात सुनने के बाद मैं चुपचाप क्लास से बाहर चला गया। मेरा ध्यान बाहर की तरफ था। सब के सब बच्चे आराम से खेल रहे थे। मैं अकेला उस बैलकनी में अपने दोनों साथियों के बारे में सोच रहा था। मैं ये भी सोच रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। यही सब सोचते सोचते मेरी नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मेरी तरफ पीठ दिखाकर खड़ा था। मैं उसको लगातार देख रहा था। उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं थी। एक बार मैंने वापस बाहर की तरफ देखा और जब मैंने दोबारा उस लड़के की ओर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसी बीच अचानक से मेरी आंखों के सामने राजीव आ गया। उसकी आंखें एकदम उस आदमी की तरह लग रही थी जिसको राजीव ने मारा था। वो अचानक से मेरा गला दबाने लगा और मुझे दीवार पर पटक दिया। मेरी जोर के मारे चीख निकल गई। दीपक भागता हुआ मेरे पास आया। पूरे के पूरी बैलकनी में भीड़ इकट्ठी हो गई। सब के सब मुझे ही घूर रहे थे। मैं भागकर सीधा वॉशरूम की तरफ गया और अपने सीने और चेहरे पर पानी मारने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने रात को उठकर गलती कर दी। उस दिन मैंने किसी से कोई बात नहीं की। मैं रात में चुपचाप खाना खाकर अकेले ही सो गया। जब मेरी आंखें खोली तो मैंने देखा कि सुबह हो चुकी है, लेकिन दीपक और राजीव अपने बेड पर नहीं थे। मुझे लगा शायद वॉशरूम में होंगे, लेकिन वो मेरा भ्रम था। मैंने आंखें बंद की और चुपचाप लेट गया कि तभी वही चप्पल की आवाज़ मुझे दोबारा आने लगी। इस बार मैंने सोचा कि बेडशीट हटाकर चिल्लाता हूँ। मैंने बेडशीट हटाई और ज़ोर से चिल्लाया, कहा कि भाग जाए यहाँ से। मैं एकदम हैरान हो चुका था। मैंने देखा कि वहाँ पर हमारे हॉस्टल का वार्डन खड़ा था। वो मुझे ऐसी हालत में देखकर शॉक हो गया। उसने मुझे एक जोर की थप्पड़ मारा, कहने लगा कि क्या बे, पढ़ाई नहीं करनी, निकल यहाँ से। मैं चुपचाप तैयार होकर क्लास में चला गया। आज मैं क्लास में लेट पहुँचा था। मैंने देखा कि राजीव और दीपक मेरे से पहले ही क्लास में हैं। अजय सर ने मुझसे कहा कि अमिताभ क्या बात, आज लेट कैसे हुआ? मैं चुपचाप सर झुकाकर खड़ा था, कहने लगा कि सॉरी सर, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। सर ने भारी आवाज़ में मुझसे कहा कि सॉरी बोलने से सारी गलतियां माफ़ हो जाती हैं क्या? क्यों अमिताभ? मैं सर की आवाज़ सुनकर शॉक हो गया। मैंने सर की तरफ देखा। मैं देखता हूँ कि वही आदमी सर के कपड़ों में खड़ा है। उसकी आंखें एकदम गुस्से से भरकर लाल हैं। मैं एकदम से चिल्लाकर वहां से भाग गया। भागते वक्त मेरे सामने वार्डन आ गया। मैं उसको कहने लगा कि अजय सर, अजय सर को देखो। उसने कहा कि अरे क्या हुआ अजय सर को? मैं भागते हुए कहने लगा जाके देख लेना खुद। वार्डन मेरा हाथ पकड़कर मुझे क्लासरूम की तरफ ले गया। क्लासरूम में पहुंचते ही मैं एकदम से शॉक हो गया, क्योंकि अजय सर एकदम नॉर्मल हालत में थे। वो आराम से बच्चों को पढ़ा रहे थे। अजय सर मेरे पास आके बोले, क्या हुआ अमिताभ, ऐसे चिल्लाते हुए क्यों भागे, कोई दिक्कत है क्या? मेरे कुछ कहने से पहले ही वार्डन ने कहा कि सर अभी तो नींद से बाहर ही नहीं आया, ये मुझे भी सुबह भागने को कह रहा था। मुझे लगता है इसे कुछ हो गया है। अजय सर ने मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम बेंच पर जाकर हेड डाउन कर लो, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। दोस्तों सच कहूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कब सो जाता हूँ और कब मेरी आंखें खुलती हैं। खैर उस वक्त जब मेरी आंखें खुली तो राजीव मेरे बगल वाली बेंच पर बैठा था। मैंने उससे कहा कि तूने मुझे आज उठाया क्यों नहीं? राजीव ने मुझसे कहा कि जब मैं और दीपक उठे तो तू अपने बेड पर नहीं था। हमें लगा कि तू फ्रेश होने गया होगा, पर तू हमें वहाँ भी नहीं दिखाई दिया। हमें लगा शायद क्लासरूम में होगा, बस हम दोनों निकल गए। दोस्तों ये बात सुनने के बाद मैं एकदम हैरान हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। इतने में ही लंच हो गया। उस वक्त क्लासरूम में कोई नहीं था। मैं हेड डाउन करके बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर में दीपक मेरे पास आया, कहने लगा कि तूने क्या देखा? मैंने उससे कहा, मुझे वो आदमी फिर दिखाई दिया। दीपक ने मुझसे कहा कि मैं तेरी एक मदद कर सकता हूँ ये सब कुछ ठीक करने में, मगर तुझे काम करना पड़ेगा। मैंने उससे कहा कि क्या? दीपक ने भारी आवाज़ में मुझसे कहा कि राजीव को जान से मार दे। मैंने तुरंत दीपक की तरफ गुस्से से देखा तो पाया कि उसकी आंखें
ठीक उसी आदमी की तरह दिख रही थी। मैं तुरंत ही वहां से बाहर भाग गया। भागते भागते मुझे राजीव दिखाई दिया। राजीव लगातार मेरी ओर देख रहा था। मुझे ऐसा लगा कि ये वही आदमी है। मैं राजीव से भी दूर भागने लगा। भागते भागते मैं कैंटीन की तरफ चला गया और चुपचाप जाकर एक बेंच पर बैठ गया। मैंने देखा कि राजीव मेरी सामने वाली बेंच पर बैठा है और उसकी आंखें ठीक उसी आदमी की तरह दिख रही थी। मैंने गुस्से में वहां पर पड़ा एक पेन उठाया। मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैंने उस पेन से सीधा उस आदमी की आंखों में घोंप दिया। साथ ही साथ मैं चिल्ला भी रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे हाथों में खून लग गया और कैंटीन में जितने भी सब लोग थे वो मुझे ही देख रहे थे, वो पेन राजीव के माथे के आसपास घुस गया था। राजीव को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं सब कुछ देखकर हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने ये क्या कर दिया। ठीक मेरे सामने अजय सर खड़े थे। वो मुझसे कहने लगे, अमिताभ ये तुमने क्या कर दिया। कुछ ही देर बाद वहां पर पुलिस आ गई। देखते ही देखते कब मेरे हाथों में हथकड़ी लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे स्कूल से बाहर ले जाया जा रहा था, उसी बीच अचानक से आसमान से कोई नीचे आकर गिरा। पुलिस वाले ने जब उसको पलट कर देखा तो वो और कहीं नहीं दीपक था। मैं बहुत ज़्यादा शौक में चला गया। दीपक ने खुद की जान ले ली थी। मेरी आंखों में बहुत आंसू थे। इसके बाद मुझे 3 साल की सजा हो गई। एक उस रात की गलती के कारण हमें ऐसी सजा मिलेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। खैर 3 साल बाद जब मैं जेल से बाहर निकला तो मुझे मेरे पिताजी दिखाई दिए। मैं उनसे नजरें तक नहीं मिला पा रहा था, पर मुझे देखने के बाद वो सीधा चलकर मेरे पास आए। उन्होंने मुझे प्यार से गले लगाया और एक भारी सी आवाज में कहने लगे, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया। मैंने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो मुझे फिर से वही आदमी दिखा। दोस्तों न जाने कब मेरी आंखें बंद हो गई। मेरे कानों में बस एक ही आवाज आ रही थी, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया। दोस्तों आपने अभी जो कहानी सुनी इस कहानी का नाम है जगरी पार्ट 1। अब आगे अमिताभ के साथ क्या हुआ होगा और राजवीर हॉस्पिटल से आने के बाद क्या फैसला लेगा, ये तो आपको अगले पार्ट में ही सुनने को मिलेगा। दोस्तों आप इस कहानी को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मैं उतनी ही जल्दी इसका अगला पार्ट भी लाऊंगा, क्योंकि इसके आगे की कहानी और भी भयानक, दर्दनाक और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होगी। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।